ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। आगरा में एक किसान के साथ संपत्ति में धोखाधड़ी करने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ दबंग लोगों ने अधिकारियों से मिलकर किसान को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया और किसान की लाखों रुपए की जमीन को बेच दिया। जब किसान को इस बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब पीड़ित ने आगरा DM से मदद की गुहार लगाई है। क्या हुआ? मेरे भतीजा संजय और लिखे तो बिन्ने पर वो दो विशेष जगह अपने ससुराल बिकवाई तो बागे संगम फर्जी और बसीयत बनाए गए और 2012 में मरो लिखाए गए और खेत बेच गए तो कागज लगे हैं यहाँ में। आपको क्या पता चला था आपकी जमीन वो नकल निकाली मैंने तब? कब निकाली थी नकल? जी यहाँ में लगे हैं। फिर आप गए थे तहसीलदार वगैरह से मिले? हाँ, क्या उस जगह SDM साहब ने पकड़ के ना भी छोड़ दे, कोई सुनाई ना ना भैया भाई तक। मैंने 2014 में आके खेतों बनो लड़कने के नाम में बहनामा कर दिया, फिर भी वो मेरे नाम और वो सब कट गए, नकल दूसरे की आई। ये मुंशीलाल जी हैं, ग्राम झील जाटव कबीस और तहसील सदर आगरा के निवासी हैं और इनके ही कुछ लोगों ने इनके मार्फत फर्जी वसीयतनामा तैयार करा करके दलाल के मार्फत किसी और को कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि इनको 2012 में मृतक घोषित करा दिया तहसील के कर्मचारियों ने मिलीभगत करके।